हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके सर्वाइवल में बहुत काम आने वाली हैं। एंड सबसे पहली ट्रिक आपके सामने ही है, बूम। ये ट्रिक यूट्यूब पे अवेलेबल है इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं अभी दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे लाइट कैसे कर रखी है अंधेरा होने के बाद। तो उसके लिए आपको सोल टॉर्च, लैंटर्न या कुछ भी चाहिए जिससे आपको लाइट करनी है। एंड देन आपको चाहिए कारपेट, लेकिन मॉस कारपेट मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये ग्रीन है और जगह पे मैंने ग्रीन कर रखी है। तो आपको ऐसे एक दो ब्लॉक का डीप होल करना है एंड इसे ऐसे कुछ लगा सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर एक ट्रैप डोर भी रख सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर रखिए ट्रैप डोर एंड ट्रैप डोर के ऊपर रख दीजिए इसको। एंड आप देख सकते हैं बिना टॉर्च को बाहर रखे आपके पूरे में लाइट हो चुकी है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने सर्वाइवल में। एंड अगली चीज़ है, ये आपके क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए है, ताकि आप जो मैंने अभी रिसेंटली थोड़ी टाइम पहले ही 2-4 मिनट पहले अपनी वीडियो अपलोड की थी, और उसमें मैं बिना क्राउच किए कर रहा था। तो उसे करने के लिए या तो आप क्रिएटिव से ब्लॉक्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में सर्वर में करना है तो आप ये कमांड इनपुट कर सकते हैं कमांड ब्लॉक में। आपको ये कमांड इनपुट कर देना, रिपीट एंड नीड वेटस्टोन। एंड उसके बाद जैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर नेदरराइट के ब्लॉक टूटने चालू हो जाएंगे एंड आपको इन्फिनेट नेदरराइट मिल जाएगा। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वो चीज़ कैसे करता हूँ। तो मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ, तो ब्लॉक के थोड़ा आगे आपको टैप करना है एंड ऐसे आप स्पीड ब्रिजिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे को अभी इतने अच्छे से नहीं आता है, मैं भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत लंबे लंबे टावर कर रखे हैं आप देख ही सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे मेन आर्म स्टैंड हैक्स की तरफ। बोल क्या बोल रहा था, बोलती बन तो अब आपको चाहिए ये ब्लॉक, तो कोई से ब्लॉक। एंड उसके बाद आपको इसे कुछ ऐसे कर लेना है एंड आर्म स्टैंड यहाँ पे ऐसे लगा देना है। एंड तो सबसे पहले आपको हर आर्म स्टैंड को कुछ ऐसे पोज में खड़ा कर देना है, देन हर आर्म स्टैंड को आपको गिरा देना है नीचे कुछ ऐसे। एंड लीजिए, आपका चक्कर बच चुका है पूरा गोलम गोल सा। उसके बाद आपको चाहिए पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी एंड एक और आर्म स्टैंड।
आर्मर स्टैंड को आपको नॉर्मल वे में खड़ा करना है एंड देन उसका पोज भी ठीक वैसा ही करना है जैसा बाकियों का था। फिर मैं इसके आर्मर में सोड दे दूँ ताकि पता चले बस। अब इसके हाल एंड अब आपको एक काम करना है नीचे वाले सभी आम कर देना है इनविजिबल एंड बस इसे नॉर्मल से को गिरा देना है एंड तो अब आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि इसने एक ही सोल्ड को अपने आसपास चक्कर में रख लिया हो एंड आप चाहे तो कैसे कर सकते हैं आप खुद इसके बीच में जाकर खड़े हो सकते हैं। इट वर्क एक बार इसे थर्ड पर्सन में देख तो आप देख ही सकते हैं कितना ओपी लग रहा है एंड अगर आप चाहें तो खुद पे इनविजिबिलिटी का पोशन डाल के आर्म स्टैंड के ऊपर जाके ऐसा दिखा सकते हैं कि मैं आर्म हूँ लेकिन आप फिर अपने फ्रेंड को मार सकते हैं। तो अभी मैं वो भी करके दिखाता हूँ। आपको एक आर्म स्टैंड के अंदर जाकर खड़ा हो जाना है एकदम स्ट्रेट होकर अपने हाथ में नदर की सोर्ड पकड़ लेनी है एंड आप देख ही सकते हैं ऐसा लग रहा है कि मैं एक आर्म स्टैंड हूँ। तो अब लास्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये रेड ब्लॉक प्रेस करना है उसके ऊपर आर्म स्टैंड आर्मर पे अपना सारा आर्मर पहना देना है इसको बिकॉज लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मर है। एंड उसके बाद इसे अपनी शॉट देनी है उसके बाद आपको इसका पोज चेंज करना है। अब फेंको इन फालतू के जूतों को। उसके बाद आपको इसका पोज चेंज करना है जैसा भी आपको चाहिए देख सकते हैं कितने सारे पोज होते हैं आर्मर स्टैंड के। या तो आप ऐसे रख सकते हैं ऐसे भी रख सकते हैं या चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं एंड मैं इसे ऐसे ही रखने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे एक ब्लॉक रखना है उसके ऊपर एक ब्लॉक देन पिस्टन फेसिंग डाउन एंड उसके बाद पिस्टन को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए रेडस्टोन या रेडस्टोन लीवर या रेडस्टोन का ब्लॉक या रेडस्टोन टॉर्च जो भी आप यूज़ करना चाहें देन इसे नीचे करें उसके बाद एक और एंड देन उसको भी नीचे करें। तो देख सकते हैं नीचे हो चुका है लेकिन ये सोर्ड तो ही बाहर को है। नेवर माइंड इतना तो चलता है यार। उसके बाद आपको चाहिए एक माइनक्राफ्ट की बहुत ही इजी चीज़ जो इजीली मिल जाती है स्प्रूस ट्रैप डोर। उसके बाद इधर इसे रखना है इसे कवर इधर इसे रखना है इसे कवर सेम साइड और नहीं नहीं जैसे भी आपको इसे कवर कर देना है पूरा ताकि जो भी आपके घर में इफ चोरी करने भी आए उसे आपका आर्मर ना मिले क्योंकि आपने तो अपना आर्मर मेरे टिकटॉक हैक से ऐसे छुपा रखा है कि कोई बंदा ढूंढ ही नहीं सकता। एंड ऐसे ही करके आप यहाँ पे काम करें मैं करके दिखाता हूँ। आपको कुछ इसे ऐसा कर लेना है लेकिन 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 देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है तो आप इसकी हाइट एक ब्लॉक और बढ़ा के यहाँ पे किसे ऐसे रख के ऊपर बैरल्स भी रख सकते हैं मैं करके दिखाता हूँ। एंड तो बैरल्स तो हम प्लेस नहीं कर पाए लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है एंड इफ अगर आप इसे बंद कर दे तो मैं मुझे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। एंड अब देख सकते हैं इतू सा दिख रहा है ये बस इतू सा इतना तो कोई प्लेयर देखेगा भी नहीं। एंड तो आप देख सकते हैं पूरा हाइड हो चुका है आपका आर्मर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल व
for more amazing videos and shorts. And क्योंकि अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तभी जल्दी जल्दी वीडियोज आएंगी, एंड तुम लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है. तो कर दो यार, फ्री है, कम ऑन, फ्री है, कर दो. तो सी यू लेटर, टेक केयर.